ये हमने लौकी को तोड़ लिया है और इससे हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस टेस्टी हलवा। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल किचन टू किचन में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी लौकी के हलवा की रेसिपी। ये जो लौकी हमारे द्वार पे ही पौधा इसका लगाया हुआ है, वहीं से हम लौकी तोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लौकी को तोड़ लेते हैं। हम अपने लौकी के पौधे आप देख सकते हैं और बहुत सारा लौकी आया है इसमें, तो देखते हैं हमें कौन सा लौकी पसंद आएगा, वही लौकी हम तोड़ेंगे। ये देखिए कितना छुपा हुआ है और ये सबसे बड़ा है, तो मैं इसी लौकी को तोड़ूंगी अभी। तो ये हमने लौकी को तोड़ लिया है और इससे हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस टेस्टी हलवा। अब हम चलते हैं आंगन में हलवा बनाने के लिए। मैं आ गई हूँ अपने आंगन में और एक बर्तन में मैंने पानी ले लिया है। लौकी को दो टुकड़े में कट करेंगे और अच्छे से पानी में धो लेंगे और इसे छील लेंगे हम। ये पेड़ पे का लौकी है हमारे, पेड़ पे का तो बहुत ही नाजुक है, इसमें बहुत ज्यादा बिया भी नहीं है, तो ऐसे हम इसे भाग में कट कर लेंगे, एक लौकी को चार भाग में, और फिर इसे हम छीलेंगे। और जो बीज का पार्ट होता है, बीज वाला, उसे हम निकाल देंगे, वो पार्ट हमें हलवा बनाने में नहीं यूज करना है। लौकी को छील कर रेडी कर लिया और अब ग्रेटर के हेल्प से, घिसने के हेल्प से हम इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे बारीक बारीक। तो ये देखिए सारे लौकी को मैंने ग्रेट कर लिया और अच्छे से निचोड़ते हुए हम इसे दूसरे प्लेट में रखेंगे, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा वाटर है, जो भी पानी है, अच्छे से निकल जाए और तब लौकी का हलवा अच्छे से बनेगा। तो अब मैं आ गई हूँ चूल्हे के पास और चूल्हे के पास मेरी मम्मी जी बैठी हुई थी, उन्होंने दूध को जला करके खोआ बनाया हुआ है, तो उसे मैंने निकाल लिया। और सेम कढ़ाई में हम हलवा बनाएंगे, तो 4 से 5 बड़े चम्मच हम घी डालेंगे। ये घी भी हमारे घर का ही बना हुआ है। घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं और उसके बाद हम ग्रेटेड लौकी उसमें डालेंगे। तो घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे लौकी जिसे हम ग्रेट करके रखे हैं। और अच्छे से चलाते हुए हम घी में लौकी को भूनेंगे, इसे हमें कंटिन्यू चलाना है, अगर नहीं चलाएंगे तो ये तले से चिपक सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। जब तक कि पानी इसका अच्छे से सूख नहीं जाता है लौकी का, तब तक हमें इसे भूनना है घी में। लौकी का हलवा बनाने में तो टाइम लग जाता है, पर इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस होता है। तो लौकी का जो पानी है वो सूखने का हम इंतजार करेंगे, उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। तो आप देख सकते हैं लौकी का जो पानी है अच्छे से सूख चुका है, तो अब मैं इसमें दूध डालूंगी। और अब हम इसे चलाते हुए अच्छे से कुक करेंगे, जब तक कि दूध एकदम कम नहीं हो जाता, मतलब एकदम मिक्स नहीं हो जाता है लौकी में, तब तक हमें इसे पकाना है अच्छे से और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। अगर हम नहीं चलाएंगे तो तले से चिपक जाएगा और उसका स्वाद भी चेंज हो जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि हलवा बनाते समय हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए ही बनाना है। चूल्हे पे का हलवा का स्वाद बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत डिलीशियस होता है। तो आप देख सकते हैं दूध जो है बहुत कम हो चुका है, तो इसे हमें कंटिन्यू चलाना है। और इस वक्त बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हलवे में से,
और अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। चीनी की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार ज्यादा या कम कर सकते हैं। और इसे भी अच्छे से चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे हलवे के अंदर। हलवे का कलर आपको व्हाइट दिख रहा होगा क्योंकि हमने जो दूध है उसका मात्रा थोड़ा ज्यादा यूज किया है। और अगर आप चाहते हैं कि हलवा ग्रीन दिखे तो आप थोड़ा सा फूड कलर का यूज कर सकते हैं। और भी हमें इसे सुखाना है और थोड़ी देर हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए कुक करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो ये हमारा लौकी का हलवा बनके बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया है और एकदम अच्छे से जो हमने दूध यूज किया है अच्छे से सूख चुका है लौकी के अंदर। तो हमारा परफेक्ट हलवा बनकर रेडी है और बहुत डिलीशियस बना है। तो आप जरूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा और आप चाहें तो आप इसका बर्फी भी सेट करके रख सकते हैं।